Hello everyone, how are you all? I'm fine. Good afternoon. I'm fine, man. What about you? Okay, I'm also fine. Thank you. Okay, students, so today we will read the topic equality of work, hai na? Aaj ki topic hamari kya hai? Equality of work. ठीक है, सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिससे हम पूछेंगे अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे, ओके? So, what the mean of equality? Who will tell me? Show me your hand. Equality means क्या होता है? आदित्य यादव, on the mic. मैं समानता. समानता, very good. Equality means होता है समानता, है ना? So, इस topic में हम ये जानेंगे सारे जो वर्क हैं, वो क्या होते हैं? Equal होते हैं. All types of work are equal. कोई भी वर्क बड़ा छोटा नहीं होता, है ना? तो स्टोरी से हम लोग पढ़ेंगे. आई एम गोइंग टू शेयर यू बुक. आपकी इस टॉपिक में पहले एक स्टोरी है. बेटा आपने माइक ऑन ऑफ रखेंगे सभी, ओके? चलिए, आप लोग को बुक दिखने लगी होगी अभी. नो मैम. मैम अभी नहीं दिखी. बेटा कोई फोन नहीं टच करेगा, कोई भी फोन नहीं टच करेंगे, ओके? ओके बेटा, चलिए. सभी को दिख रही है ना बुक? यस मैम. यस मैम. एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए. यस मैम. डू यू हैव अ डोमेस्टिक हेल्प एट होम? अमन पासवान, क्वेश्चन फॉर द डू यू हैव अ डोमेस्टिक हेल्प एट होम? डोमेस्टिक हेल्प मींस? यस मैम. डोमेस्टिक हेल्प मींस? मैम मदद करना. मदद करने मदद वाला. करना. डोमेस्टिक मींस क्या होते हैं? अनुष्का नहीं होता. अनुष्का बताइए. अनन्या जब पूछा जाए तभी बोला करिए, ओके? घरेलू. हाँ, घरेलू. यस, घर के कामों में हेल्प करने वाली, जैसे जिसको हम बाई बोलते हैं. क्या आपके घरों में है वो? डू यू हैव अ डोमेस्टिक हेल्प एट होम? मैम डॉग नहीं. ओके, चलिए आप बताइए. हर्षित, हर्षित यू टेल. डू यू हैव अ डोमेस्टिक हेल्प एट योर होम? यस और नो? नो. ओके अनन्या, आप बताइए. अनन्या यू टेल ऑन द माइक. नो. रौनक? यस मैम. ओके, चलिए बताइए. हाउ डज ही और सी हेल्प यू? आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प है ना, कैसे वो आपकी हेल्प करते हैं? चल आप देखते होगे ना, क्या क्या करती है, कैसे आपकी हेल्प करती है. रौनक? यस मैम. कैसे हेल्प करती है बेटा वो? नहीं पता. मैम क्लीन रखती है. मैम क्लीन रखती है हाउस. ओके, डोमेस्टिक हेल्पर क्या करते हैं वो? आपके घरों में जो कोरस होते हैं, मतलब घरेलू काम, जैसे कि मॉपिंग है ना, स्क्रबिंग द पॉट है ना, स्वीपिंग, ये सारे वर्क करके आपकी हेल्प करते हैं ना, आपकी मदर की करते कि नहीं? सो चलिए देखते हैं हम लोग. पीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब फॉर देयर लाइवलीहुड. आपने देखा होगा ना, आपके आसपास कई सारे लोग, सभी लोग वर्क करते हैं. क्या करने के लिए? अपनी अर्निंग, लाइवलीहुड मींस जीविका, पैसे कमाने के लिए करते हैं कि नहीं? तभी तो घर चलता है. Yes, we should respect and grateful to people who help us.
हमें उनके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल, मतलब उनके आभारी होना चाहिए क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि मिल्कमैन हो गया, वो हर दिन आपके दरवाजे तक दूध देने के लिए आता है ना, आपको वहां लेने जाना नहीं पड़ता। सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर बॉय, वो आपके डोर स्टेप तक न्यूज़पेपर देने आता है ना। आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं नहीं? अमन अमन करते हैं, करते हो? ओके सो लेट करते, चलिए गुड। अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट सी स्टोरी देखते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ फरहान। ये स्टोरी किसकी है? अंशु ऑन द माइक। मैं फरहान। फरहान की स्टोरी है Who had to manage without the gardener and domestic help for a day? उसको क्या करना है? एक दिन अपने घर में एक दिन मैनेज करना है, क्या डोमेस्टिक हेल्प करना है उसको एक दिन, मतलब कि मदर की, अपनी मदर की हेल्प करनी है विदाउट अ गार्डनर एंड डोमेस्टिक हेल्प फॉर अ डे। उसके घर में एक दिन के लिए गार्डनर जो है और डोमेस्टिक हेल्पर जो थी वो लीव पे गए हुए हैं, नहीं है वो, ठीक है, और उसकी जगह पर फरहान को वर्क करना है। ओके समझ में आया? चलिए देखते हैं वो करता क्या है। लिसन बेटा, वन डे फरहान्स गार्डनर एंड डोमेस्टिक हेल्प डू नॉट कम होम। रौनक पासवान, व्हाट आर यू डूइंग बेटा? आपको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, आप सही से पढ़ाई करिए। यस, सो एक दिन होता क्या है, फरहान का जो गार्डनर है, गार्डनर मीन सुभांगी, व्हाट द मीन ऑफ गार्डनर? मैम माली। वन हु टेक केयर ऑफ द गार्डन्स, प्लांट्स ऑफ द गार्डन, जो हमारे बगीचे के प्लांट्स की देखभाल करते हैं। सो एक दिन होता है गार्डनर काम पे नहीं आता, एंड डोमेस्टिक हेल्प डू नॉट कम टू वर्क, और उसके घर में जो काम करने वाली जो बाई थी वो भी नहीं आती है ना। हिज मदर आस्क हिम टू हेल्प हर। अब उसकी माँ ने क्या कहा फरहान से, कि वो उसकी हेल्प करे डोमेस्टिक वर्क में, वो हेल्प करे मदर की अपने। ओके एंड फरहान एग्रीज टू वर्क इन द गार्डन बट रिफ्यूज टू वॉश द यूटेंसिल। लिसन केयरफुली, फरहान क्या करता है, एग्री मीन्स, अनुष्का एग्री मीन्स, अनुष्का ऑन द माइक बेटा। मैम एग्री मीन्स सहमत होना, सहमत होना, मान जाना, वो मान जाता है गार्डन में वर्क करने के लिए, वो मान जाता है बट रिफ्यूजेस टू वॉश द यूटेंसिल्स। रिफ्यूज मीन्स होता है, कौन बताएगा रिफ्यूज मीन्स? यस खुशी बेटा माइक ऑन करिए। यस मैम, रिफ्यूज, आर ई एफ यू एस ई, रिफ्यूज। चलिए मैं बताती हूँ, रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना। ओके रिफ्यूज मीन्स क्या होता है आदित्य, ऑन द माइक। मैम मना करना, इनकार कर देना, मना कर देना। टू वॉश द यूटेंसिल मीन्स, to wash the utensil, Anushka, what the meaning of this sentence, to wash the utensils? Ma'am, wo bartan, haan haan bolo beta, wash means hota hai, ma'am ek baar fir se boliye beta, I'm asking what the meaning of this sentence, to wash the utensil, टू वास, वास मीन्स होता है साफ करना। ओके अटेंसिल्स मीन्स साफ करना, सुभांगी बर्तन, यस ओके। तो घरों घर में जो जूठे बर्तन होते हैं उसको साफ करने से वो मना कर देता है, उसको ये काम करना छोटा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ओके ही डज नॉट लाइक वॉशिंग अटेंसिल्स बिकॉज दे आर डर्टी। वो बर्तन धुलने के लिए मना कर देता है, क्यों? क्योंकि वो गंदे थे। डर्टी मीन्स, अनन्या अनन्या डर्टी मीन्स गंदा। मैम डर्टी मीन्स गंदा, यस डर्टी मीन्स गंदा। ओके तो बर्तन गंदे थे इस वजह से वो बर्तन नहीं साफ करता।
वन डे सॉरी इसके बाद क्या होता है हिज मदर एक्सप्लेन टू हिम दैट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट. अब उसकी माँ उसे एक्सप्लेन मतलब समझाती है क्या सारे वर्क जो है मतलब मॉपिंग एंड स्क्रबिंग बर्तन धुलना सफाई करना कपड़े धुलना सभी काम जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब सबकी वैल्यू समान होती है. ओके कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना. एंड देखिए इसकी माँ क्या समझा रही है फरहान नो जॉब इज बिग और स्मॉल कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. यू शुड रिस्पेक्ट ऑल द ऑक्यूपेशंस एंड द पीपल हु फॉलो देम. इसलिए आपको क्या करना चाहिए रिस्पेक्ट करना चाहिए. रिस्पेक्ट मीन्स सुमित रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्ट मीन्स रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान देना आदर करना. ओके रिस्पेक्ट मीन्स होता है कंचन आप बताइए बेटा अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं कंचन यू आर लेट. कंचन आप बताइए रिस्पेक्ट मीन्स ऑन द माइक कंचन सम्मान. ओके तो मम्मा उसकी क्या समझाती है हमें सारे मतलब यूज टू रिस्पेक्ट तुम्हें सभी को सम्मान देना चाहिए सारे ऑक्यूपेशन को. ऑक्यूपेशन मीन्स रौनक रौनक ऑक्यूपेशन मीन्स ऑन द माइक ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय. ओके सो जो हमें सारे व्यवसाय को सम्मान देना चाहिए जैसे कि अगर कॉबलर जो है वो सू मेंड करता है तो उसको भी हमें सम्मान देना चाहिए. जो कारपेंटर है जो कि फर्नीचर बनाया करते हैं उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए. जो मिल्क मैन है जो हमारे लिए दूर से मिल्क देने के लिए आते हैं लाकर है ना उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए. जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्पर है उसे भी हमें सम्मान देना चाहिए है ना. क्योंकि अगर एक दिन वो नहीं आएंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम होती है कि नहीं है ना. yes, तो माँ उसे समझाती है एंड दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर. इसको बोलते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर मींस एक मजदूर की जो मर्यादा होती है हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए. अगर अगर आपके भी काम का कोई अनादर करे है ना आपका मजाक बनाए तो आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना. बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा. ऐसे ही अगर हम दूसरों के काम के लिए उसका मजाक बनाएंगे अगर अगर काम करने वाली जो बाई उसको उसका हम मजाक बनाएंगे उसको हम अगर हे दृष्टि से देखेंगे छोटा समझेंगे तो ये हम उसकी उसके मन को ठेस पहुंचाना होगा. ओके इसलिए गलत है. समझ में आया. यस मैम. देखिए फरहान फरहान को मम्मा की बात समझ में आ जाती है. फरहान हेल्प्स हिज मदर इन द गार्डन एंड एट होम. अब फरहान जो है वो गार्डन में भी वर्क करता है और घर में भी अपनी माँ की हेल्प करता है. लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग. वो क्या कर रहा है इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट इज ही डूइंग बेटा श्रियांका बताइए. मैम लुक एट द फर्स्ट पिक्चर फरहान क्या कर रहा है. बेटा श्रियांक कितना टाइम लोगे आप बाहर फोन क्यों टच करते हैं. मैम साफ सफाई कर रहा है. ओके ही इज स्वीपिंग है ना साफ सफाई कर रहा है. ओके लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट इज ही डूइंग खुशी. मैं हाईलाइट कर रही हूँ. सो हाँ तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए आप. ही इज थ्रोइंग द डस्ट इन द डस्टबिन है ना. अनुष्का यू टेल. मैम ये हाँ बेटा ही इज थ्रोइंग थ्रो मींस होता फेंकना. ही इज थ्रोइंग द डस्ट
डस्ट इन द डस्टबिन, वो डस्ट को डस्टबिन में डाल रहा है, ये गुड वर्क है ना? यस मैम। यस मैम। एंड लुक एट दिस पिक्चर, अंशु यू टेल व्हाट इज ही डूइंग, फरहान क्या कर रहा है? बेटा माइक ऑन करके आंसर दीजिए अंशु। मैम बेटा मैम पत्तियां साफ कर रहा है। He is sweeping the ground, है ना? देखिए वो झाड़ू लगा रहा है। Yes ma'am. And look at this picture. हर्षित आप बताएंगे। हर्षित on the mic. मैम घर साफ कर रहा है। बेटा हर्षित से पूछ रही हूँ मैं, वेट कर लो हर्षित को बोलने दो। स्टॉप बेटा, वन बाय वन बोलेंगे। हाँ फर्श को साफ कर रहा है। ओके तो फर्श को साफ करने की इंग्लिश क्या होती है? मॉपिंग, पोछा लगाना है ना? मैम मैं He is mopping the floor. क्या बोलेंगे हम लोग? He is mopping the floor. फर्श पे पोछा लगा रहा है ना? समझ में आ गया? हर्षित? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. And now look at this picture. देखो कितने सारे काम कर रहा है फरहान। देखिए what is he doing in this picture? अमन गुप्ता आप बताएंगे। मैम बर्तन साफ कर रहा है। बेटा अनन्या साइलेंट। मैम बर्तन साफ कर रहा है। मैम बर्तन साफ कर रहा है। कंचन यू टेल बेटा। मैं बेटा माइक ऑन किया करिए जब पूछा जाए तब। जस बर्तन साफ कर रहा है। हाँ तो बर्तन साफ करने को, बर्तन साफ करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉशिंग द डिशेज। ओके ठीक है, वॉशिंग द डिशेज। तो आप ये कहेंगे इज वॉशिंग द डिशेज। ओके ठीक है। And look at last picture. अभी last में वो क्या कर रहा है? आदित्य राज अभी कनेक्ट ही नहीं हुए। रौनक रौनक बेटा अपना बेड ऑन करें। Yes, he is watering the plants. है ना? पानी देने के लिए इंग्लिश क्या होगी? Watering. Okay. He is watering the plant. प्लांट में वाटर डाल रहा है। यस अनन्या टेल। यस मैम। टेल व्हाट इज ही डूइंग? मैम ही इज वाटरिंग इन द गार्डन। ही इज वाटरिंग द प्लांट। पौधों में पानी डाल रहा है ना गार्डन के, तो ही इज वाटरिंग द प्लांट। ओके चलिए तो अभी आपने देखा कि फरहान, जब फरहान की मम्मा उसे समझाती है ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो देखो कितने सारे काम करता है। मॉपिंग भी करता है और डस्ट को भी फेंकने जाता है ना, स्वीपिंग भी करता है, स्क्रबिंग करता है एंड वाटरिंग भी करता है ना। सो लॉट्स ऑफ वर्क ही डज, है ना। चलिए आप भी बताइए, आप लोग भी वर्क करते हैं अपने घरों में, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो? रौनक सिंह मैम करते हैं। यस मैम करते हैं। मैम करते हैं। मैम करते हैं। मैम करते हैं। बेटा मैं वन बाय वन सभी से जानना चाहती हूँ, ठीक है, कि आप लोग क्या करते हैं। सभी को वन काम बताना है, वन वर्क जो अपने पेरेंट की हेल्प के लिए घर में करते हो। ओके सबसे पहले बताएंगे हर्षित। हर्षित यू टेल क्या करते हैं आप घर में अपनी मम्मा की हेल्प करते हुए, फादर की हेल्प करते हुए? आवाज नहीं आ रहा। मैं प्लेट मैम उसमें किचन में, किचन में से प्लेट लाकर क्या करते हो? मतलब प्लेट जो जूठा प्लेट है वो किचन में लाकर रखते हो? चलिए अच्छी बात है। शुभांगी उठे। शुभांगी मैं बात करके
बेटा माइक सभी ऑफ रखेंगे तभी क्लियर सुन पाएंगे सभी की आवाज. ओके यस बेटा सुमांगी टेल. बेटा हरी अप. मैम करते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प. क्या करती हैं मैं ये पूछ रही हूँ. जैसे कि मैम करते हैं अपनी. बेटा करती तो हो बट क्या करती हो. चाय बनाती है. ओके ठीक है. तो सभी लोग कुछ ना कुछ वर्क करेंगे हेल्प करेंगे. जैसे कि अगर चाय बन गया हो तो उसको टी ऑफर करना फैमिली मेंबर्स को है ना. या स्वीपिंग भी कर सकते हैं. झाड़ू लगाना तो आना ही चाहिए ना. आप लोग इतने बड़े तो हो गए हो है ना. यस मैम. चलिए ठीक है. आगे देखिए फरहान क्या करता है. फरहान्स मदर लिसन बेटा. फरहान्स मदर टेल फरहान टू ऑलवेज वैल्यू पीपल हु हेल्प अस विद आवर डेली कोरस. फरहान की माँ से क्या बताती है कि फरहान को क्या करना चाहिए. हमेशा वैल्यू देना चाहिए मीन्स रिस्पेक्ट देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे घर के कामों में हेल्प करते हैं. ओके चलिए अगले दिन फरहान क्या करता है. नेक्स्ट डे आदित्य व्हाट आर यू डूइंग बेटा. नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन फरहान ग्रीट्स द डोमेस्टिक हेल्प एंड अ गार्डनर विद अ स्माइल. अगले दिन क्या होता है. फरहान मिलता है डोमेस्टिक हेल्प से और जिसे गार्डनर जो थे वो दोबारा काम पे जब आते हैं उनसे वो स्माइल करते हुए मिलता है. स्माइल मीन्स बेटा. लुक एट द पिक्चर. देखिए हेलो. वो बहुत ही प्यार से बोल रहा है ना गार्डनर से और डोमेस्टिक हेल्पर से है ना. चलिए अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक्सरसाइजेस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर वन. How does Farhan help his mother in the absence of the domestic help and the gardener? बेटा ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे. How does Farhan help? मीन Farhan कैसे हेल्प करता है his mother अपनी माँ की हेल्प कैसे करता है in the absence of domestic help. जब उसके घर में domestic helper नहीं आती है और gardener नहीं आते हैं तो कैसे help किया. अभी सबने देखा ना. कौन बताएगा. शो योर हैंड. सभी yes, को हैंड शो करेंगे जिसको भी आंसर पता है. अनुष्का ओके टेल. मैम द वास्ट इज क्या करता है. He sweeps the floor, है ना. He washes the dishes, he waters the plant. सारे वक्त तो कर रहा है ना. देखो he washes the dishes, हाँ बेटा टेल अनन्या. बेटा ही वॉशेस द फर्श नहीं ही वॉशेस द फ्लोर. ही मॉप द फ्लोर बोलेंगे ठीक है. ही मॉप द फ्लोर. फर्श को पे पूछा लगाता है. ओके अनन्या. बेटा मैम. यस मैम. आगे अमन आप बताइए. अमन ऑन द माइक. अमन पासवान आपने देखा कितने सारे वर्क किया है फरहान अभी. चल मैम. हाँ बेटा. मैम डस्टबिन में. मैम कूड़ा फेंक रहा. हाँ इसी सेंटेंस को इंग्लिश में आपको राइट करना रहेगा. ही थ्रोस द डस्ट इन द डस्टबिन. ये बोलना है आपको. ओके यस मैम. यस मैम ने सेंटेंस को बोलना है बेटा. सेंटेंस बोल के बताना है.
कैसे राइट करेंगे आंसर इसका? आप सभी को खुद से राइट करना है बेटा, क्वेश्चन को नोट करेंगे कोई नोटबुक में, इसके बाद इसका आंसर राइट करेंगे, है ना? अंशु मैं देख रही हूँ क्या कर रहे हैं आप, यू टेल द आंसर ऑन द माइक अंशु। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कैसे राइट करेंगे। मैम एक बार फिर से बोलिए। इतनी बार मैं बोल रही हूँ अभी तक आपको समझ में नहीं आया, अब फिर से बोले एक बार मैम, फिर से बोलिए। देखिए आपको इसका आंसर राइट करना है, हाउ डज मीन्स हाउ, मीन्स कैसे, डज करता है, फरहान हेल्प हिज मदर, फरहान अपनी मदर की कैसे हेल्प करता है इन द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक हेल्प एंड द गार्डनर, जब उसके घर में डोमेस्टिक हेल्पर नहीं आती एक दिन के लिए और गार्डनर नहीं आते, तो क्या करता है, कैसे हेल्प करता है? आप आंसर देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फरहान डज मीन अलॉट ऑफ वर्क, ऐसे लिखेंगे फरहान डज अलॉट्स ऑफ वर्क सच एज मॉपिंग, थ्रोइंग द डस्ट एंड मॉपिंग द फ्लोर, है ना, वाटरिंग द प्लांट्स, इस तरीके से कर लेंगे। Yes or no? Yes, ma'am. Okay, question number second है. Listen, question number second है. Why should we respect all occupation? Why means? Harshit, why means? W-H-Y, why? Why means? क्यों? क्यों? Should means? Should means? Aditya, should means? S H O U L D should means Aditya. मैं चाहिए. चाहिए. Very good. Why should we respect? हमें respect क्यों करना चाहिए? All occupation सारे व्यवसाय को हमें सब हमें उसकी respect क्यों करना चाहिए? Simple हुआ, एक line में answer होगा इसका. मैम क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, मैम क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं इस वजह से ओके। फरहान देखिए, फरहान की माँ उसे क्या समझाती है, हमें सारे ऑक्यूपेशन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, फरहान की मामा ने बताया ना अभी, क्यों ऐसा, ऐसा क्या रीजन है, क्यों बताया उनको ऐसा क्यों करना चाहिए? मैम क्योंकि उनके यहाँ पे, चलिए बेटा आप समझ नहीं पा रहे हैं मैम, इसका मतलब आपने स्टोरी को ना तो समझा है ना ही देखा है, अगर देखे होते ना तो अच्छे से आंसर देते। चलिए देखते कौन बताता है, शो मी योर हैंड, मैं सबसे पूछूंगी। श्रेयांक व्हाट आर यू डूइंग, बेटा मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, आप बात नहीं मानते हैं, बार बार फोन टच करते रहते हैं। अमन अमन yes, ma'am. What do you think? Yes, ma'am. मैम कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं क्या? मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्यों लगता है कि हमें सारे वर्क को रिस्पेक्ट करना चाहिए? चलिए बेटा अनुष्का आप ही बताइए, अनुष्का मैम नहीं आ रहा आपको भी मैम? हाँ बेटा अनन्या, रिसोर्सेज तो अपनी व्हाट्सएप पे भेजे अनन्या, मैम आपको छोटे वेरी गुड, बिकॉज ऑल द वर्क्स आर इक्वल, है ना, नो वर्क और स्मॉल, आपको यही लिखना है। निशान एक बार मैं फिर से आंसर बता रही हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको राइट करना है आंसर, ओके? सो आप स्टार्ट करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द ऑक्यूपेशंस, कैसे स्टार्ट करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द ऑक्यूपेशंस बिकॉज ऑल द वर्क आर सेम, आर द वर्क आर इक्वल, ओके, नो वर्क इज बिग और स्मॉल, ठीक है, कर लेंगे, वी शुड
respect all the occupations because all the work are equal and we and no work is big or small. Okay? हो जाएगा? Yes. This is work for today. Okay? Yes, ma'am. आज ही अभी करना है सभी को. इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में ईवीएस की. इसके बाद आंसर भी राइट करेंगे. ठीक है ना? चलिए ट्यू भेजना है. हाँ बेटा, वर्क की फोटो कल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद भेजना, लेकिन वर्क आप लोग अभी करके रखेंगे. ओके, समझ में आया? यस मैम. देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है. ट्रू फॉल्स में वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आवर डोमेस्टिक हेल्प. ये सही होगा या गलत? वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आवर डोमेस्टिक हेल्प. खुशी, बेटा ये सेंटेंस, बेटा पहले क्वेश्चन समझिए. इसमें हमें अगर सेंटेंस ट्रू है तो हमें यहाँ पे टी राइट करना है, और अगर सेंटेंस रॉन्ग है, फॉल्स है, तो हमें एफ राइट करना है. ओके, सो दिस सेंटेंस इज सेइंग दैट वी शुड नॉट रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए डोमेस्टिक हेल्पर की. तो ये सही है? फॉल्स है, तो गलत बता रहा है ना? तो हमें यहाँ पे एफ राइट करना है. ओके, एंड क्वेश्चन सेंटेंस नंबर बी है, नो जॉब इज बिग और स्मॉल. ये सही हुआ या गलत? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. यहाँ पे हमें टी राइट करना है. ओके, एंड वी शुड नॉट हेल्प आवर पेरेंट्स एट होम. दिस सेंटेंस इज सेइंग दैट वी शुड नॉट हेल्प, हमें हेल्प नहीं करना चाहिए अपने पेरेंट्स की. फॉल्स है. ओके, एंड लास्ट वाला, वी शुड नेवर बी रूड आवर गार्डनर. हमें अपने गार्डनर के साथ रूड नहीं होना चाहिए. रूड मीन्स होता है असभ्य होना, बुरे तरीके से बात करना. ऐसा ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. तो ये क्या होगा? लिशन, पहले ध्यान दो, सेंटेंस क्या बोल रहा है? वी शुड नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं. हमें कभी नहीं रूड होना चाहिए अपने गार्डनर के लिए. अपने गार्डनर के साथ हमें बुरा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए. ये गलत है. ट्रू है. ओके, सो आई थिंक सभी क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम. सो दिस वर्क यू हैव टू कंप्लीट टुडे. ओके, कर लेंगे ना? एंड यू ऑल नीड टू सबमिट, यू ऑल नीड टू सबमिट द फोटो ऑफ योर वर्क. ओके, सभी को अपने वर्क की फोटो सबमिट करना है. आप लोग की सबसे बड़ी गलती यही है, बुरी बात, कि आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं. बैड हैबिट है ये, है ना? होमवर्क करेंगे ना? यस और नो? यस मैम. चलिए गुड बाय. मैम वाला करके भेजे थे. हाँ बेटा, आप तो करती है मुझे पता है, लेकिन हर दिन नहीं करती है. हर दिन वर्क करना है, डेली करना है. यस मैम, वो डेली दिया जाता है. ओके, चलिए गुड बाय. यस मैम.